अब ताजा ताजा माखन तो निकाल लिया, अब इसको सबसे ऊंचे वाले चिखे पर जाकर रख देते हैं। किंतु अब इसे छिपाने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि भगवान से कहां कुछ छुप सका है। यशोदा, क्या हुआ, इतनी विचलित क्यों हो? कुछ नहीं। कान्हा की याद आ रही है। यशोदा, कृष्ण भगवान यहीं तो हैं, हमारे पास। वही तो, यहाँ जो रहते वो भगवान कृष्ण रहते हैं। मेरे लल्ला और उसका नटखटपन तो जैसे खो सा गया है। जब से उनकी पूजा होने लगी है, उससे मैं अकेली हो गई हूँ। ना मैं पहले की भांति उसे अपने हाथों से माखन खिला पाती हूँ, ना ही उसकी चंचलता का आनंद उठा पाती हूँ। ऐसा लगता है अरे जैसे मेरा लल्ला और उसका बचपन छिन गया है। अरे यशोदा, रो मत, हमें तो ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, ईश्वर हमारे घर में रहते हैं संतान के रूप में। किंतु यशोदा, मैं भी अपना मन भक्ति में लगाना चाहता हूं, किंतु मुझे बार बार अपने प्यारे लल्ला का बचपना याद आ जाता है। उसके सारे गांव वासियों के साथ हंसी ठिठोली, उसका नटखट पर समाप्त हो गया। यशोदा, समाप्त हो गया। मैया, बाबा को भगवान तो मिल गए, परंतु वे संतान के सुख से वंचित हो गए। कान्हा ने तो माखन का भी त्याग कर दिया है। जी बताइए, आपकी समस्या क्या है और कहां से आए हैं आप लोग? नंद जी, मैं पास के गांव रामगंज से आया हूं। हमारे और पास के कई गांवों में दूध और माखन की आपूर्ति वृंदावन से पूरी होती थी, किंतु पिछले कुछ दिनों से कोई भी ग्वाला दूध की आपूर्ति नहीं कर रहा है। वो कहते हैं कि अब उन्हें कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। और वो आपके गांव के दुष्ट साहूकार, उसने तो आतंक मचा रखा है। और क्योंकि हम ग्वाले नहीं हैं, तो हमें उससे बहुत ऊंचे दामों में कार्य करना पड़ रहा है। नंद जी, हम सभी को बहुत हानि हो रही है, इस प्रकार कब तक चलेगा? कृपया करके हमारी सहायता कीजिए, हम आपके आभारी रहेंगे। गांव में स्वयं विष्णु का अवतार वास करता है, हमें कार्य करने की क्या आवश्यकता? हम तो प्रभु का नाम भजते हैं और आनंद पूर्वक रहते हैं, अब प्रभु है ना हमारी सहायता करने के लिए। ये क्या कह रहे हैं वृंदावन वास, कर्म के अभाव में इनका जीवन कैसे चलेगा? ये क्या हो गया वृंदावन वासियों को, मैं स्वयं जाकर देखता हूँ।